हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हो गई है मेरी दिन की शुरुआत, और दिन के स्टार्टिंग में आज पहले करती हूँ ध्रुव को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद अपने बाकी के काम निपटाती हूँ। तो धीरे धीरे आपको दिखाते जाती हूँ कि मेरा आज का सफ़र कैसा चलता है। वैसे तो आप लोग रोज़ ही देखते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ रोज़ आपको दिखाने की कि रोज़ रोज़ मैं अपनी डेली लाइफ में ये सब कुछ करके अपना टाइम पास और अपना इंटरटेनमेंट रखती हूँ और घर में खुश रहती हूँ। सुबह सुबह होने लग गए यहाँ पे ध्रुव स्कूल के लिए तैयार, शादी का खाना खा के। कैसे लग रही है मॉर्निंग आज? अच्छी, उठने का मन नहीं करता लेकिन सुबह सुबह मुझे भी स्कूल टाइम में ना ऐसा ही होता था सुबह, मतलब ऐसा लगता था यार 1 घंटे और सोने को मिल जाए, 1 घंटे और सोने को मिल जाए। और नहा के ना और अच्छी नींद आती है ना। मुझे भी स्कूल टाइम में ना पापा कहते थे नहा के जा नहा के जा नहा के जा, नींद खुलती, लेकिन मुझे नहाने के बाद बड़ी अच्छी नींद आती थी। तो आ जा बैग लेके, मैंने जरा लंच डब्बा पैक कर दिया है, और यहाँ पे हो गया है ध्रुव का लंच बॉक्स पैक। ये हो गया है नोवा और एथिना का दलिया, तो थोड़ा ठंडा होता है फिर खिलाते हैं उनको। ये नोवा, एथिना और मैडी के लिए खाना, अभी पापा आके फिर देंगे इनको खाना। मम्मी जाने लग गई है बिगरा बाग को, थोड़ा लेके आती है फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स खाना ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो मम्मी आएगी अब सीधे 1 घंटे बाद। जा रही वहाँ। यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है मैंने दिन का फूड अपना, और दिखाती हूँ आज आपको दिन के खाने में क्या है। मेरी थाली दाल दही सैलेड, और ये है पापा की थाली, और ये है मम्मी की थाली, और यहाँ पे बना रखी है टमाटर और पुदीने की चटनी। तो करते हैं अपना दिन का लंच। मैं लग गए हैं यहाँ पे फैमिली के साथ अपना दिन का लंच, और दिखाती हूँ आपको आज दिन के लंच में है क्या। आए हैं भैया हमारा गेट बनाने के लिए, क्योंकि गेट हो गया था बहुत टाइट तो ओपन नहीं हो रहा था। और यहाँ पे मम्मी गेट ट्राई कर रही है कि खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। सही हो गया, और आज बना दिए यहाँ पे कोल्ड कॉफी फिर से हमने, और ये है मम्मी और पापा के गिलास, तो देते हैं मम्मी और पापा को। चल ध्रुव एक तो पकड़, एक मैं पकड़ती हूँ। चीनी कम हो रही है लेकिन पापा के हिसाब से। आपके भी बनाई है, नाना जी के लिए बनाई है, पकड़ो गिलास। नहीं नहीं ध्रुव, और यहाँ पे ध्रुव और अपनी कॉफ़ी बनाते टाइम हो गया है फिर से एक और चीज, लाइट चले गई है। तो मम्मी पापा भी अपनी कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, हम लाइट आने के बाद करेंगे। श्री कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद करने लग गई है लहसुन के डंठल तोड़ के इनको साफ, और मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी कोल्ड कॉफ़ी। नोवा इधर आओ, मामा बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठ जाओ बाबा। गुड बॉय गुड बॉय। और बॉय यहाँ बैठा है और गर्ल बैठी है वो मम्मी के पीछे। अब पता, इतने बार कोल्ड कॉफी पी ली ना, अब मेरे को ना वो हो गई ना, बिच्छी गई कोल्ड कॉफी पी के। अब ना इसके बाद से शुरू शुरू दिन तो बहुत पी दी थी, अब मन ही नहीं कर रहा ना पीने का। आज बैठे हैं नीचे आराम से गेट के पास, वैसे ये रहते थे ऊपर क्योंकि हमारा वो पीछे वाला गेट बंद नहीं था तो इनका भागने का डर था। आज बिल्कुल बैठ गए हैं दोनों पहरेदार बन के गेट पे। क्या लाऊं, चाबी लाऊं? पागल है क्या? पागल है क्या?
नानी की धाड़ सुन ली तूने? अरे नानी तो गए थे, कुट रहा था, घूम के आता हूँ। बोल मामी क्या खाना है, मैं लेके आता हूँ। क्या खाना है बता दो जल्दी। मोमोज, मोमोज लेके आना एक प्लेट बस। अरे यार इससे मोमो लेने जाऊंगा तो हो गया यार। और कुछ मंगा दी तो लाता है, जाता भी। अब मोमो लेने जाऊँ खाली 50 रुपए का तेल फूक के 100 रुपए के मोमो लेने जाऊँ। 100 के भी नहीं, 50-40 रुपए के मोमो आ जाएंगे बस। फिर 50 का तेल फूकूंगा और 40 के मोमो के टाइम। आज नोवा एथिना को नीचे रख के हम कर रहे हैं ऊपर की सफाई। ध्रुव लगा रहा है पानी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेचारे इनके बाल भी बहुत निकल रहे हैं एक तो गर्मी से। और कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हम दिखा नहीं, और पॉटी भी कर दे रहे हैं ऊपर थोड़ा, कभी कभी किसी किसी टाइम पे टॉयलेट कर देते हैं। तो फिर इनको भी साफ़ सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ये साफ़ सुथरा रहेंगे, हाइजीन रहेंगे, उतना ही इनके साथ हम भी हाइजीन रह पाएंगे। तो हर दूसरे दिन या एक दिन छोड़ के हम इसे साफ़ कर देते हैं। मेरे को रिसीव हुआ है अमेज़न से एक पार्सल, और ये पार्सल में क्या है मैं दिखाती हूँ। लेकिन ये रिकमेंड किया था मुझे रेखा दी ने, तो दिखाती हूँ आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या रखा है। फिर बताती हूँ आपको कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है, और इसमें निकले हैं ये दो पैक, जो कि पैकेजिंग के साथ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है मेरे को, क्योंकि इसके जो ऑयल है वो थोड़ा सा लीक हो गया है। और यही बोले, ओह ढक्कन भी बहुत ढीला है, और इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा लीक होकर गिर गया है ना, तो ये पन्नी मेरे हाथों से फिसल जा रही है। तो यहाँ पे मैंने लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का मंगाया है ऑयल। इससे पहले मैं इसका शैम्पू यूज़ करती थी ड्राई हेयर्स के लिए, तो शैम्पू का तो बेस्ट रिजल्ट था। फिर उसके बाद मैंने इसका इस बार ऑयल भी यूज़ करके देखती हूँ। और ये वाला जो रिव्यू है मेरे को, इस ऑयल का रिव्यू मुझे दिया था रेखा दी ने, क्योंकि ड्राई स्कैल्प के उससे क्या होता है ना, बाल बहुत झड़ते हैं, और ये जो मौसम हो रहा है तो उसमें फ्रीजी हेयर्स, ड्राई हेयर्स, डैमेज हेयर्स बहुत हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वाला दो पैक मंगा रखे हैं ऑलरेडी अपने लिए। तो मैं इसको 15 डेज तक इसको यूज़ करूँगी, और उसके बाद आपको इसका दूँगी रिव्यू कि ये कैसे ऑयल है। तो अभी तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ, इसका रिव्यू देने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि ऑयल कैसा है करके। वाली नीचे नीचे वाली, चलो खा ले। इसको मिस्टर पतिदेव भी आ गए हैं, और मैडी पिताजी का प्यार है अपने, तो मिलने आ गए हैं। करने लग गए हैं हम डिनर, पराठा, लौकी की सब्जी, और सूखी सब्जी लौकी की, और मट्ठे डाली गई सब्जी लौकी की। तो यहाँ पे मैंने कर लिए है, हम सब लोगों ने कर लिए है अपना अपना डिनर, और डिनर के बाद ध्रुव आ गया थोड़ी देर अपनी बुक्स लेके पढ़ने के लिए। जब तक नींद नहीं आती तब तक थोड़ा सा रीडिंग करेगा, उसके बाद सोएगा। और आज के लिए बस मेरे ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल सुबह फिर से। बाय।